से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है?